नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा रद्द किए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि परीक्षा देने के बाद तारीख पर तारीख आती गई, हर एक तारीख ने पत्थर की तरह चोट किया, मगर मुख्यमंत्री के प्रचार में ही बहार है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वीडियो 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्तियों का इंतजार किया, तारीख पर तारीख आती गई, नियुक्तियां नहीं मिली, हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती थी, कल भर्ती निरस्त हो गई, इन युवा आंखों में अंधेरा छा गया, सीएम साहब के प्रचार में ही बाहर है, मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएसएससी की ओर से जारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा के तहत कुल 1953 पदों पर भर्ती होनी थी, इसमें 1527 पद ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, वहीं 362 पद ग्राम विकास अधिकारी के लिए थे, जबकि 64 पद समाज कल्याण अधिकारी के लिए तय किए गए थे। भर्ती के लिए 30 मई 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कमीशन ने मई 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन निकाला था, दिसंबर 2018 में इसकी परीक्षा कराई गई थी, अगस्त 2019 में नतीजे भी जारी किए गए। नतीजा आने के बाद भी करीब 10 महीने से भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई थी। इन पदों के लिए अगस्त 2019 में नतीजे जारी करने के बाद आयोग की ओर से कई बार दस्तावेजों के सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। करीब 10 महीने से भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है, लेकिन अब प्रियंका गांधी के इस बयान की तरफ से अब देखना होगा योगी सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।